और सूरज जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, 6 बजकर लगभग कोई 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये देखें आप कैसा ज़बरदस्त नज़ारा आता है यहाँ से खड़े हो। अच्छा जी, टाइम हो गया है सुबह 6:15 बजे का और मैं अभी घर ही फिर रहा हूँ, घर की छत के ऊपर जा रहा हूँ। ज़रा मैंने कहा आपको ना आज ऊपर से माहौल दिखाता हूँ। तो ये नाज़रीन, मैं घर की छत पे मौजूद हूँ और ये है फसलें हमारे घर की बैकग्राउंड है ना। तो ये छत का ऊपर से हशर नशर किया हुआ है यहाँ पे वो कुछ छापे छापे को बालन छलन फेंका हुआ है क्योंकि हम ज़रा ऊपर आते नहीं हैं। तो आपको ना जो असल चीज़ जो दिखाने वाली थी, जो मैं दिखाने के लिए लाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो देखें। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये देखें आप कैसा ज़बरदस्त नज़ारा आता है यहाँ से खड़े होके ना। मैं अक्सर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर इधर से व्यू लेता होता हूँ। चेक करें क्या सीन है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुशोखरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, मैं पहुँच चुका हूँ अपनी फेवरेट जगह पर, देखें बैकग्राउंड पे वही गंदम। और अच्छा आपको दिखाऊँ, अब जो ना काफ़ी हद तक ये पक गई है, ऊपर से जो है वो इसके गोल्डन कलर नज़र आना शुरू हो गया है। तो इधर से भी देखें, असल व्यू आपको इधर से नज़र आएगा, ये काफ़ी हद तक पक गई है और सूरज जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, 6 बजकर लगभग कोई 35 मिनट हो चुके हैं। और इधर अगर सामने हम देखें तो चांद मामा भी जो है वो पूरी आबोताब के साथ खड़े हुए हैं, दिन की रोशनी में जहरी बात इतना ही नज़र आना है। इसने एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ चांद है, दोनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये मैं आया था इधर एसी देखने के लिए अपने ऑफिस के लिए। ये डॉक्टर साहब हैं जी, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, ये इनका ऑफिस है, क्लिनिक है इनका, और ये है जी शॉप जहाँ से मैंने ना एसी लेना है। खैर, इनका कल मुझे फ़ोन आया था कि आए हुए हैं ना, कराची से आए पड़े हैं, आप आके चेक कर लें, देख ले लें। तो देखते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं जी भाई, कहाँ हैं? आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, दिखा दें। ये देखें जी, ये ऑफिसी है हायर का, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, डॉक्टर आज बहुत बुरी हालत है। हाँ देखा ज़रा। और ये है, ये डेट है, डेट है, हो रहा है। ये है जी रियल वालों का और ये नीचे और ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक टन का चाहिए भाई, एक टन। साफ सुथरी कंडीशन होगा, चंगा भी लगेगा। अच्छा अच्छा, क्या पे है? एक उतला पे है ऊपर वाला और रियल वाला है ना, ये बेचा हुआ है। अच्छा, ये बेचा हुआ है, बेचा क्या मैंने ऑफिस में रखा। अच्छा, ये जरा रियल वाला ये उतारे, परफॉर्मेंस क्या है इसकी? ये है, इसको कलर होगा, इसका आउटर बिल्कुल साफ है, ये इधर है। अच्छा दिखाएं, ये भी ये साफ होगा, ये हो जाएगा, ये पीला भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये साफ होगा, धुलेगा। अच्छा, देख रहे, ठीक है, ये वैसे ही पड़ा, इसकी सर्विस करेंगे? हाँ, सर्विस होगी। दूसरा वो कलर भी पड़ा इसका, ये ऊपर पड़ा है एलजी का, ये वाला या ऊपर वाला? बड़ा एलजी वाला, ये पड़ा होगा। अच्छा, ये ऊपर था जो एल जी वाला कह रहे हैं। अच्छा, कौन सा सिस्टम का सिस्टम और फंक्शन क्या है, रिमोट के साथ कंट्रोल होना, सारी चीज़ें हर चीज़ चालू है भाई। अच्छा, नहीं असल में ऐसा है ना, आपके नुकसान से जहरी बात है, आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपसे लेना है मैंने। ऐसा ना हो कि मैं लूँ फिर उसके बाद ना मेरी ज़िंदगी अदा बन जाए, हर दूसरे दिन मैं आपके पीछे भागता रहूँ। अल्लाह नहीं करेगा ऐसी मुनौबत नहीं आई। ये एल जी हो गया। हाँ अच्छा, हाँ, उसको अगर देखें तो छोड़ दूँ। अच्छा देखा यार, किसी वजह से आए हैं, हमने तो बेचने हैं, ये और बिक जाने हैं, इन दोनों में से जो तुम्हें चॉइस लगे। ये जो है ये कोरिया का, असल कोरिया का, नीचे वाला। अच्छा, ये कह रहे हैं असल कोरिया का है नीचे वाला। अच्छा, वो पाकिस्तान में संभल है, वो ऊपर वाला है, कोरिया है, वो भी कोरिया, ऊपर वाला भी, ये बाकी पाकिस्तान।
प्राइस रेंज क्या है? वो जो है ना अच्छा 20 में आप सर्विस भी करके देंगे, कलर भी करके देंगे, गैस वैस भी पूरी कर दूंगा अगर 19-20 फिटिंग के अलावा लेंगे। फिटिंग का अच्छा, फिटिंग का जो सामान बोर्ड शॉर्ट वगैरह वो आपके अच्छा वो भी मेरा होगा नहीं वो आपकी चीज़ हमने तो यहाँ चला के ओके कर देना। अच्छा आपकी मर्जी, किसी और से फिट कराए, आपकी मर्जी हमारे से फिट कराए। अच्छा अच्छा जी, ये अंकल से मैं आया हूँ ऐसे लेने के लिए, डॉक्टर साहब के रेफरेंस से। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब भी और ये अंकल भी, बाकी इनके साथ भी चलेंगे तो पता चल जाएगा, एसी लेना है इनसे। अच्छा जी, ये एसी यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये वाला, और वो आपको दिखाऊँ वो सामने लगा हुआ है दीवार पे छोटे वाला एसी, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अभी जा रहे हैं यहाँ से। खदशत भी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, काफ़ी दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो अब जाकर ये काम करवाते हैं फिर उसके बाद जो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये खत मैंने बनवा लिया है, कटिंग नहीं मैंने करवाई, वैसे काफ़ी जो है वो बेहतर हालत में अब आ गया हूँ। तो आज जो है वो एसी भी फाइनल हो गया है और ये केबन के लिए भी जो है मैं कारीगर को लेके आया था, उसको मैंने फरमाइश वगैरह दी है। अब जो है वो सैटरडे वाले दिन से जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा और फिर वो कह रहा था कि एक दिन में मैं ये केबल कम्प्लीट कर दूँगा। तो आज जो मैंने डिस्कस ये करना था आपसे कि रात में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो मुझे जो है वो एक बहन ने आकर बताया कि अब जो है वो तारा यासिन के हेटर्स में और सपोर्टर्स में सुलह हो चुकी है। तो उसी वक्त जो है वो आप यूँ कहें कि मेरा दिल जो है वो खुशी से बिल्लियों उछलने लगा था कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इशू को ख़त्म हुआ ना, मतलब सुलह हो गई है। लेकिन अभी इसमें कुछ सवालात बाकी हैं। तारा यासिन के हेटर्स में और सपोर्टर्स में सुलह हो चुकी है, तारा यासिन के हेटर्स की और सपोर्टर्स की आपसी लड़ाइयाँ थी मतलब वो ख़त्म हो चुकी है, इसमें सवाल ये है कि क्या अब जो है वो तारा यासिन के अगेंस्ट वीडियोज़ बनना बंद हो जाएंगी? क्या तारा यासिन पर जब भी जो है वो वक्तन फ़क्तन अक्सर कीचड़ उछलता रहता था तो क्या अब ये सारे मामला जो है वो बंद हो जाएंगे? क्या तारा यासिन पर जो है वो ये सारे मामला मतलब कि जो उसको उछालना, उसके लिए जो है वो उसको डीफेम करने की कोशिशें करना, ये सारा कुछ है वो बंद हो जाएगा? अगर ये बंद हो जाएगा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मामला ख़त्म हुआ। देखे ना, मुझे ऐसे बंदे के लिए भी जो है बहुत सारी मुश्किल थी इस सिलसिले को कंटिन्यू करना, क्योंकि देखे ना एक वक्त था जब इसमें जो है वो बहुत सारे मर्द भी काम कर रहे थे, वो भी जो है उस तारा यासिन के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, तो उन लोगों को जाकर जो है वो जवाब देना ज़रा आसान हो जाता। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि सारी खवातीन लगी हुई थी तारा यासिन के नाम पर जो है वो एक दूसरे से लड़ रही थी, और फिर जब तारा यासिन पर बात आती थी फिर मुझे ऐसे बंदे को भी जो है वो आगे आना पड़ता था और रिस्पॉन्स करना पड़ता था, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था, अजीब सा लगता था कि यार खवातीन की लड़ाई है, मैं मतलब थर्ड पर्सन। तो खैर अभी अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी की सुलह हो गई है? क्योंकि 2600 लोग थे जो तारा यासिन पर रिएक्शन दे रहे थे, क्या सभी में सुलह हो गई है या सिर्फ दो लोगों ने आपस में सुलह कर ली और मामला ख़त्म हो गया? तो अभी ये वक्त हमें बताएगा कि आगे आगे जो है वो क्या सूरत हाल होती है, क्या मामलात होते हैं, तो कैसे कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन जाहिर बात है आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, अगर तारा यासिन पर जो है वो उस पर कीचड़ उछलना या उसके अगेंस्ट वीडियोस बनना बंद होगी तो ये खुशी की बात है, अगर ना बंद हुई तो फिर जहरी बात है हम जैसे लोगों को तो सामना आना पड़ेगा। तो खैर अब तक के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग जो है वो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी ख़त्म कर रहे हैं इस ब्लॉग को आज के दिन यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल किसी नए ब्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ आपके सामने हाज़िर होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।